हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडिट एग्जा फन। दोस्तों, Xiaomi ने अपने ऑफिशियल पेज से एक इवेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने भारत में 5G फ़ोन लॉन्च करने की बात की है। दोस्तों, ये फ़ोन इतना यूनिक होने वाला है, ये यूनिक क्यों होने वाला है, आइए इस टॉपिक पर बात करते हैं। पता है दोस्तों, मुझे इस फ़ोन में सबसे यूनिक क्या लगा? दोस्तों, इस फ़ोन में कंपनी का कहना है कि ये मात्र 15 मिनट में 0 से 100% चार्ज हो जाएगा। तो यार, मुझे तो ये फीचर बहुत यूनिक लगा, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, पता है जो पहला फ़ोन था जो 1973 में लॉन्च हुआ था, उसको चार्ज होने में और उसका बैटरी बैकअप कितना समय लगता था, उसका बैटरी बैकअप कितना था? तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, मैं बताऊँगा आपको कि जो पहला फ़ोन था उसको कितना टाइम चार्ज होने में लगता था और उसका बैटरी बैकअप कितना था। दोस्तों, आ जाते हैं अपनी 5G फ़ोन के बारे में जो हम बात करने वाले थे। तो बात करें Xiaomi 11i की 5G सीरीज़ की, तो दोस्तों ये Redmi Note 11 Pro Plus का रीब्रांड वर्जन होने वाला है। दोस्तों, इसमें जो 120 वाट का फास्ट चार्जर दिया जाएगा और 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट और 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा रियर कैमरा होगा और इसमें जो प्रोसेसर यूज़ होगा वो मेडीटेक डायमेंसिटी का प्रोसेसर यूज़ होगा और इसका मार्केट में प्राइस 30,000 के ऊपर होने वाला है। लगभग ये आपको 30,000 के ऊपर मार्केट में मिलेगा। हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि वो फ़ोन कौन सा है जो सबसे पहले आया था और उसको चार्ज होने में कितना समय लगता था और उसका बैटरी बैकअप कितना था। तो उसको चार्ज होने में 10 घंटे का समय लगता था और 30 मिनट का उसका बैटरी बैकअप था। तो दोस्तों, यहाँ पे 15 मिनट में ये फ़ोन 0 से 100% चार्ज हो जाएगा और लगभग बैटरी बैकअप 30 से 35 घंटे तक रहने वाला है। तो आपको ये फ़ोन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो बगल में बेल आइकन है, प्लीज़ उसको दबा दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, चैनल पर बहुत सारे लोग देखने तो आते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब